मेरे भाइयों बहनों बेटे बेटियों, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार जमीन से जुड़े नेता भाई अनिल फिरोजिया जी, सबसे पहले आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। चुनाव गर्मी में है, गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, चुनाव की गर्मी भी रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन केवल गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है ऐसी बात नहीं है, राहुल गांधी भी कई रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। झूठ बोलने के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। आजकल वो देश भर में कहते हैं चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने बुला के डांटा और कहा कि माफी मांगो, तो राहुल बाबा ने माफी मांगी और कहा चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार चोर नहीं है। और बाद में फिर मंच पे जाके कहने लगे चौकीदार चोर है। आपने ऐसा नेता देखा क्या कभी, बताओ? आजकल बड़ी बात कर रहे हैं, न्याय योजना, पैसा गरीबों के खाते में लाओगे कहां से? बोले अनिल अंबानी की जेब से निकाल लाऊंगा। मेरे बहनों और भाइयों, मैं नहीं जानता कि राहुल गांधी की उम्र कितनी है, लेकिन मानसिक रूप से 5-10 साल से उनकी मानसिक आयु ज्यादा मुझे नहीं लगती। मुझे तकलीफ होती है, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बचकानी बातें करता है, एक ने अनेकों झूठ, रफेल पे झूठ बोले, फिर यहां मंदसौर आए थे विधानसभा के चुनाव में, रंगीन सपने दिखाए गए, कहा गया कि किसान भाइयों चिंता मत करो, कांग्रेस की सरकार बनाओ, और कांग्रेस की सरकार बन गई तो 10 दिन में सब किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा। गिन के बोलते थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और 10 दिन में माफ नहीं किया तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। मेरे ग्रामीण क्षेत्र के किसान भाइयों, दिल पे हाथ रख के बताना, क्या सबका कर्जा माफ हुआ है? जरा मीडिया के सामने इतनी जोर से कि राहुल गांधी को भी पता चल जाए, सबका कर्जा माफ हुआ है? वो कह रहे माफ हो गया, कहते 2 घंटे में माफ कर दिया, पूरे हिंदुस्तान में ढोल पीट रहे। मैं 14 राज्यों में होके आया हूं, ढोल की पोल मैंने खोली है। अजय कमलनाथ ही खोल रहे हैं, राहुल बाबा कह रहे हैं सबका माफ, कमलनाथ भेज रहा है मोबाइल मैसेज, राम सिंह तेरा कर्जा माफी का आवेदन मिला, मैं तो करना चाहता था लेकिन क्या करूं, आचार संहिता लग गई, अब चुनाव के बाद देखूंगा, वोट दे दो अभी। एक कह रहे माफ हो गया, दूसरा कह रहे हैं कि अभी नहीं हुआ बाद में करेंगे, सही कौन बोल रहा है ये तो बता दो। अरे मेरे किसान भाइयों, कर्जा माफ करना तो साधारण बात है, औसत बुद्धि। अरे किसान ने जिनसे कर्जा लिया है उन बैंकों को तुम पैसा भर दो, कर्जा माफ हो जाएगा, बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उनको पैसा दे दो बैंक को, कर्जा माफ। लेकिन हमारे विधायक साथी बैठे, बजट में इंतजाम कर्जा 48,000 करोड़, बजट में व्यवस्था की 5,000 करोड़, और बैंकों को दिया 13,000 करोड़, 1300 करोड़। अब पैसा ना धेला और महाकाल का मेला, कर्जा कहां से माफ होगा रे? झूठ पे झूठ रिकॉर्ड तोड़े जा रहे, सबको बेरोजगारी भत्ता दे देंगे 4,000 रुपया, उज्जैन के नौजवानों मिला किसी को 4,000 रुपया, सबको बेरोजगारी भत्ता, एक को नहीं मिला, फिर का रोजगार देंगे? हम भी प्रसन्न हो गए, मैंने कमलनाथ से पूछा कौन सा रोजगार दे रहे हो भाई, बोले बहुत अच्छे रोजगार ढूंढ के लाए। हमको बताओ तो क्या, तो कहने लगे ढोर चराओ, बैंड बजाओ, कल कहेंगे बिच्छू पकड़ लाओ, बंदर नचाओ,
धन्य रे कमलनाथ, अच्छे अच्छे रोजगार ढूंढ के लाए। कमलनाथ ने कपट ना था तो कपट मार। कांग्रेसी जब सरकार बनी और सरकार भी पूरी नहीं बनी, जीते वो भी नहीं है, लंगड़ी सरकार है लंगड़ी। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। अरे कुनबा तो मामा भी जोड़ लेता। मुझे कहा भी था कि मामा चूको मत, लेकिन मैंने कहा वोट ज्यादा मिले, लेकिन सीट कम रह गई है थोड़ी, और इसलिए जोड़ तोड़ वाली नहीं बनाऊंगा। जब बनाऊंगा शानदार बहुमत की सरकार बनाऊंगा। हमने कहा चल चलाओ, अब तुम चलाओ, अच्छी चला के बताओ शुभकामनाएं। मार कांग्रेसी मैदान में जय जयकार, स्वागत द्वार, चारों तरफ धूम मचा दी। आ गई कांग्रेस, 4 महीना हुआ है, पहले जय जयकार स्वागत द्वार, अब हाहाकार मारा मार। चारों तरफ हालत खराब है, विकास के काम बंद। ए मालवा वालों, ये मामा तुम्हारे सामने खड़ा है, नर्मदा जी के पानी को उज्जैन से लेके देवास, साजापुर, इस धरती को नंदन वन बनाने का भागीरथ प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यह अनिल के क्षेत्र में नर्मदा जी के पानी को लाने की कोशिश की, जितनी सड़कें बनी उनके गड्ढे तक कमलनाथ नहीं भर पाएगा, देख लेना।